गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप गुड आफ्टरनून ही होगा जब आप देख रहे हो, तो जो भी हो वो समझ लेना। तो देखो, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर्स। अब एरर, अगर हिंदी में एरर की बात करें तो एरर क्या होती है? गलती। तो अभी हम हिंदी वाली एरर की बात नहीं कर रहे, बिकॉज मैंने आपको देखो शुरू में फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो मैं कह रहा था कि इमोशंस आर नॉट क्वान्टिटीज़ इन फिजिक्स, तो हम वो वाली गलती की बात नहीं कर रहे, हम गलती की बात कर रहे हैं फिजिक्स वाली गलती की। और यहाँ फिजिक्स में गलती क्या होती है उसको ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट टाइम मैं एरर बोलूँ या एब्सोल्यूट एरर बोलूँ, दिस इज वन एंड सेम थिंग। तो एरर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो कैसे। सुनो, अब सपोज देखना, इसको एग्जांपल देके बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जी की वैल्यू सबको पता है, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ओके, ये जी की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो हमें साइंटिफिकली बताई गई है। अब देर आर बहुत सारे मेथड हैं जिससे साइंटिस्ट जी की वैल्यू निकालते हैं। ओके, एक पेंडुलम वाला मेथड हो सकता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें पता है 2π√L/g। तो पेंडुलम तो सिंपल पेंडुलम है, ये पेंडुलम। ओके, इसकी लेंथ आप मेजर कर सकते हो स्केल से, इसका टाइम पीरियड आप घड़ी से मेजर कर सकते हो। पेंडुलम समझते हो, झूला। तो आपको टाइम पीरियड पता है, आपको लेंथ पता है, तो आप जी निकाल सकते हो, 2π भी अपने को पता है। तो इससे देखो, देर आर लॉट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड जिससे हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सपोज 5 साइंटिस्ट या 5 स्टूडेंट ही, उनको एक प्रोजेक्ट मिला है कि वो जी की वैल्यू निकालो। 4 स्टूडेंट एक्चुअली, चलो 5 लगा लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, जी की वैल्यू निकालते हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट जो जी निकालता है उसको मैं g1 लिख रहा हूँ, और वो वैल्यू निकाल देता है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, उसने निकाली 9.6, ये मेथड लगा के या कोई और मेथड लगा के। ठीक है, अब दूसरा स्टूडेंट जी की वैल्यू निकाल रहा है 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा जो स्टूडेंट है वो वैल्यू निकाल रहा है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चौथा निकाल देता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 4 वैल्यू जी की अपने पास आ गई। ठीक है, अब देखो हमें पता ये वैल्यू गलत है। अब मैं ये एरर वाला आपको मेथड बता रहा हूं। तो एरर या एब्सोल्यूट एरर, अब ध्यान से देख लेना। मैं कहता हूं फर्स्ट वाले की स्टेटमेंट में एरर कितनी है, तो एरर फर्स्ट की क्या फॉर्मूला है एरर का? एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है? 9.8। उसकी वैल्यू क्या है? उसने जो मेजर किया है 9.6, तो उसकी वैल्यू में एरर कितनी आ गई? 0.2। अब एरर तो है तो जी की वैल्यू, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले की वैल्यू में एरर। अब दूसरे वाले ने कितनी मेजर की है? 9.8, तो एरर 2। देखो एरर दूसरे की मेजरमेंट में क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू है 9.8, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और उसने मेजर किया 9.9, तो इसकी एरर क्या आ गई? -0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब ये समझो यहाँ ध्यान से। पहली बात तो एरर देखो क्या होती है, ये तो जी की वैल्यू। मान लो मुझे रूम की लेंथ पता है, कुछ भी 10 मीटर है, मैं बच्चों को भेज दूँगी जाओ मेज़र करके आओ, और वो अलग अलग वैल्यू मेज़र करके ले आए, उनका जो मीटर था वो ख़राब था, किसी को देखना नहीं आता। तो एरर एक्चुअली क्या होती है फिजिक्स में, एरर समझो, उसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जैसे मैं जी का बता रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू 9.8 है। एनी हाउ देर आर 4 स्टूडेंट्स और वॉलेंटियर्स जो जी की वैल्यू निकाल के लाए हैं, ये उन्होंने वैल्यू निकाल दी। अब सबसे देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है, एरर कैन बी पॉजिटिव, एरर कैन बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू उससे आपने कम मेजर किया, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू उससे आपने ज़्यादा मेजर किया, सो दैट एरर क्या आ गई? नेगेटिव। अब थर्ड की एरर देखो क्या होती है, थर्ड स्टूडेंट की एरर क्या होगी, थर्ड वॉलंटियर की एक्चुअल वैल्यू 9.8, उसने मेजर किया है 9.7, तो उसकी एरर आ गई 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ की एरर क्या होगी, 9.8, उसने मेजर किया 10, तो -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू एरर की अपने पास आ गई, 4 स्टूडेंट की या 4 वॉलंटियर की। अब एरर को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट ध्यान देखना, भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जी एक्चुअल वैल्यू, जी क्वांटिटी अपनी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेल्टा जी इज एरर या एब्सोल्यूट एरर। तो ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, एक्चुअली स्मॉल वैल्यू ऑफ जी,
ठीक है, देखो मैं इस बच्चे की एरर इसको ऐसे लिखता हूँ, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू 9.6 और 0.2 इसमें क्या है एरर, तो इस 0.2 को मैं जी तो नहीं लिख सकता, तो इसको क्या लिखेंगे डेल्टा जी, डेल्टा जी वन, वन मतलब फर्स्ट एरर, डेल्टा जी टू मतलब सेकंड बच्चे की एरर, डेल्टा जी थ्री मतलब थर्ड की एरर, डेल्टा जी फोर मतलब फोर्थ की एरर। अब ये डेल्टा समझो कि ये ट्राइंगल नहीं है, अभी आप टेंथ वाला ट्राइंगल मत समझ लेना, इट्स डेल्टा। डेल्टा का मतलब है स्मॉल वैल्यू ऑफ जी जो उसमें एरर है, ठीक है। डी जी आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, डी जी और डेल्टा जी वन एंड सेम थिंग है। मैं जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ओके देखना भी, तो अभी आप एरर पढ़ रहे हैं, जैसे अभी फर्स्ट वाले बच्चे की एरर क्या आई थी, डेल्टा जी वन, देखो ये पीछे से देख रहे हैं क्या थी 0.2, इसकी जो पढ़ने वाली 0.2। सेकेंड की एरर क्या थी -0.1। थर्ड की एरर क्या थी आई होप 0.-0. ये थर्ड की एरर थी 0.1 पॉजिटिव का, पॉजिटिव था भी। और फोर्थ की एरर क्या थी -0.2। अब ये डेल्टा सिंबल समझो भी क्या होता है, डेल्टा और डेल्टा एंड डी देयर वन एंड ऑलमोस्ट सेम थिंग, फिजिक्स में और मैथ में एक ही काम आते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्स 10 मीटर, अब इसी में कोई इसमें छोटी सी एरर है तो इसका 0.1, तो उसको आप लिखेंगे डेल्टा एक्स। तो ये एक्स है और ये उसमें एरर है, उसको डिनोट कैसे करते हैं वो बाद में देखते हैं। तो पहले तो देखो ये एरर डेल्टा से डिनोट करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। अब ये थी एरर, अब सुनो ध्यान से, एरर क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, एरर कैन बी पॉजिटिव, एरर कैन बी नेगेटिव। तो अगर अपने पास एक ही स्टूडेंट होता तो मैं एक ही एरर निकाल देता कि इसकी, लेकिन अब चार स्टूडेंट थे या चार वॉलंटियर थे तो चारों की मैंने एरर निकाल दी। अब नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो जो एरर आई है इन सब का क्या कर देते हैं मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, देखो बुक में देखना कि बहुत सारी एरर है, बहुत सारी वैल्यूज हमने निकाली किसी चीज़ की, हमने हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता है, तो हम सभी की एरर निकाल के उसका मीन ले लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन ए बी स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट एरर, किसके इक्वल होगी मीन ऑफ एरर्स, जितनी भी एरर्स हैं उन सबका मीन ले लो। तो उसको मैं लिख रहा हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी वन था फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू में एरर, डेल्टा जी टू सेकेंड की वैल्यू में एरर, डेल्टा जी थ्री थर्ड की वैल्यू में एरर। अब यहाँ ध्यान से देखना भी कैसे लिखना है, डेल्टा जी वन इसका मोड प्लस डेल्टा जी टू इसका मोड प्लस डेल्टा जी थ्री इसका मोड प्लस डेल्टा जी फोर इसका मोड बाय कितनी वैल्यू थी 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ये मोड का मतलब क्या होता है, देखो किसी को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मोड का मतलब होता है नेगेटिव साइन को रिमूव कर दो। जैसे मैं कहता हूँ -1 इसका मोड निकालो तो इसका मोड क्या आएगा 1, मैं कहता हूँ +1 इसका मोड निकालो तो 1 आएगा। तो मोड का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, तो मोड अपने को पुट करना है। तो मोड का मतलब क्या है, जो भी नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और मैं वो बताता हूँ क्यों। देखो ये डेल्टा जी वन क्या था 0.2 इसका मोड, प्लस डेल्टा जी टू क्या था -0.1 उसका मोड, प्लस डेल्टा जी थ्री क्या था 0.1 उसका मोड, प्लस मोड ऑफ -0.2 बाय 4 कहाँ से आए, 4 वैल्यू थी। मीन तो आई होप सबको पता होता था, 1, 2, 3, 4 तो 4 से डिवाइड। अब ये मोड क्या करता है, मोड नेगेटिव को रिमूव कर देता है। देखो क्या आएगा 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 बाय 4, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.6 बाय 4, तो दिस विल बी 0.1 देन 5, ये आ गया इसका। ओके अब देखो भाई एरर जो है आपको 1 डेसिमल तक रखनी है, फिजिक्स में ये भी मैटर करता है, जो हम जी की वैल्यू वो कहाँ तक है डेसिमल के एक पॉइंट तक है ना, तो इस आंसर को भी आप डेसिमल के एक पॉइंट तक राउंड ऑफ करो। अब ये 5 है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.2, तो ये 0 में एरर आ गई। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, एरर क्या आ गई 0.2, जितनी भी एरर थी सबका आंसर लिख दिया। तो फाइनल एरर क्या होता है, देखो जी प्लस माइनस डेल्टा जी, इसका मतलब क्या है 9.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अब ये नोटेशन ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि वो जी की वैल्यू है वो एक्चुअल कितनी है,
9.8 हमने जो मेजर की है, जो चार वॉलंटियर ने अपने वॉलंटियर्स ने मेजर की थी, देखो उसमें वैल्यू -0.2 भी हो सकती है, +0.2 भी हो सकती है. तो नाउ व्हाट इज मीन बाय एरर? एरर का मतलब क्या है कि 9.8 जो हम मेजर करके लाए हैं वो इसमें 0.2 प्लस भी हो सकती है, 0.2 माइनस भी हो सकती है. मींस जो हमने वैल्यू मेजर की है जी की, दैट इज वेरिंग फ्रॉम 9.6 टू 10.0, ये वैल्यूज हो सकती हैं. अब इस डेल्टा का मतलब ध्यान से समझो, ये डेल्टा का मतलब है जी का ही छोटा सा पार्ट. मैं आपको कहता हूँ कि डेल्टा जी को जी से डिवाइड करो तो आप अलजेब्रा समझ के जी को जी से कैंसिल मत कर देना, कल्ला डेल्टा कुछ भी नहीं. तो जब मैं कहता हूँ डेल्टा जी को जी से डिवाइड करो, तो एक्चुअली यहाँ से देखो हम क्या कर रहे होते हैं, हम एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर रहे होते हैं. सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आपको डी जी को जी से डिवाइड करने को बोला जाए फिजिक्स में, या डेल्टा जी को जी से डिवाइड करने को बोला जाए, तो जी से जी कैंसिल करके डी या डेल्टा को कल्ला मत छोड़ देना. दे आर नथिंग, वो सिर्फ एक सिंबल है. उनका मतलब है, डेल्टा का मतलब है एरर. तो व्हेन वी से जी को डेल्टा जी या जिससे डिवाइड करो, तो एक्चुअली हम अलजेब्रा नहीं लगा रहे जो आप पहले पढ़ चुके हो, हम 0.2 को 9.8 से डिवाइड कर रहे हैं. पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए डेल्टा का मतलब. अब यहाँ देखो मैंने मोड क्यों किया था इसका. अगर मैं मोड नहीं करता और मैं आपका कहता कि एवरेज निकालो, देखना ध्यान से, तो इनकी एवरेज क्या आती, 0.2 -0.1 +0.1 -0.2 /4, ये जो वैल्यू आई थी. मैंने उनका बिना मोड की एरर निकाल दिया, एवरेज एरर निकाल रहा हूँ, ये आएगी 0. ओके, अब हमें पता है कि एरर 0 नहीं है, ऐसे एरर क्या आ रही है, 0. तो जब भी हम एब्सोल्यूट एरर मीन एरर निकालेंगे आगे न्यूमेरिकल में आप देखना, तो हम सभी नेगेटिव एरर को भी पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव लेके फिर मोड उनका निकालेंगे हम एवरेज. ओके, तो अब ये एरर देखो, जो आपको मैंने रैंडम एरर बताई थी टाइप्स ऑफ एरर में, ये अलग अलग वैल्यू आ रही हैं जो पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं, तो ये रैंडम एरर थी. अब इस रैंडम एरर को रिड्यूस करने का बेस्ट मेथड क्या है, ये मैंने 4-5 वैल्यू ली उनका क्या कर दिया था, मीन. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. मैं आपको फिर से बताता हूँ किसी भी क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ. डोनेशन देख लो पीछे, वैसे आपको समझ में आएगा कैसे लिखते हैं. अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो इसमें एक्स क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और डेल्टा एक्स क्या है, एरर, या इसको आप एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हो, एक ही बात है, अपन एरर ही बोलेंगे. और एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर आपको अभी बताया गया होती है, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व एरर. ओके, तो ये नोटेशन था. और एरर प्लस भी हो सकती है, एरर माइनस भी हो सकती है. तो एक्स में डेल्टा एक्स प्लस भी हो सकता है, एक्स में डेल्टा एक्स माइनस भी हो सकता है. तो दिस इज अबाउट एरर. ओके, चल देखो भी, तो अभी मैं आपको एरर का बता रहा था कि वो लिखते कैसे हैं एरर को, तो कैसे लिखते हैं देखो, डोनेशन कैसे है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसमें एक्स क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और डेल्टा एक्स क्या है, एरर. ओके, तो ये था. अभी देखो जैसे आप कर रहे थे जी, तो अपना क्या था, जी 9.8 प्लस माइनस 0.2, तो ये जी है और ये प्लस माइनस डेल्टा जी था. ओके, अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये तो था एक्स, तो था एब्सोल्यूट एरर. ओके, अब है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर. रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, देखो सिंपली एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल वैल्यू. तो रिलेटिव एरर, आर एरर में लिख रहा हूँ इसको, रिलेटिव एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल वैल्यू. और यहाँ पे वो क्या आएगी, डेल्टा एक्स बाय एक्स, प्लस माइनस इसके आगे भी लगता है. अब मैं फिर बार बार बता दूँ, ये एक्स से एक्स काट मत देना, ये एक्स क्या है, एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा एक्स क्या है, एरर. जैसे इसमें यहाँ पे लिखूँ तो रिलेटिव एरर क्या होगी, 0.2 बाय 9.8, और ये भी प्लस माइनस होती है. तो ये तो आ गई रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर. अब मैं आता हूँ परसेंटेज एरर पे. देखो परसेंटेज एरर कैसे निकलती है, एब्सोल्यूट एरर, जो भी एब्सोल्यूट एरर है, बाय एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इनटू 100. ओके, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या है, मैं एक बार बता दूँ यहाँ से, तो एब्सोल्यूट एरर को लिखते, ये भी प्लस माइनस होती है,
प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। तो अब ये डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या था? रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज एरर किसके कुल होती है? रिलेटिव एरर इंटू 100, तो ये परसेंटेज एरर बन जाती है इतने परसेंट। ओके, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या है जो आपको अच्छे से पता है? एब्सोल्यूट एरर क्या थी? एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। अब उसमें क्या करना पड़ता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व में से अपने को मीन भी निकालना पड़ सकता है, अगर ए की वैल्यू को नहीं निकालने की जरूरत। अब उसके बाद उसका डोनेशन, उसको लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी को? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जैसे वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, या जैसे मैं बता दूँ किसी रूम की आपको लिख दूँ 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर, तो ये कुछ भी है, किसी की हाइट या कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कि 10 एक्चुअल है, उसमें जो मेजर करने वाला है उसने 9.9 से लेके 10.1 तक मेजर किया है। तो एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर लिखते हैं। दैन रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भी ध्यान रख लेना रिलेटिव और परसेंटेज एरर क्या होती है। और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर, उसकी मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होती है। अब है जब हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर इसको समझो, एरर प्रोपेगेट कैसे करती है। ओके, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ एरर कैसे प्रोपेगेट करती है। ठीक है, मान लो किसी ने अपने घर को पेंट करवाया, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी स्नाइपर ने, ये उसकी गन की बैरल है, मैं सिर्फ बैरल बना रहा हूँ, उसने ए पर्सन को टारगेट करना है। ओके, उसकी गन की बैरल ज़्यादा नहीं, उसने सिर्फ 1 डिग्री चेंज कर दी, यहाँ से ये उसने 1 डिग्री चेंज कर दी, तो यहाँ देखो उसकी एरर कितनी है, सपोज 1 सेंटीमीटर। अब बुलेट यहाँ से जाएगी, ए पर्सन को हिट करेगी, पर उसने गलत कर दिया, तो अब देखो ये जाके किसी और पर्सन को हिट कर देगी, तो यहाँ एरर 1 सेंटीमीटर थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते एरर कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर लगभग। अब ये अगर और भी आगे होता टारगेट, तो एरर 1 किलोमीटर भी हो सकती थी। तो यहाँ देखो एरर जस्ट 1 सेंटीमीटर थी, गन की बैरल सिर्फ 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हुई है, और रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते एरर प्रोपेगेट करके कितनी बड़ी हो गई। ओके, तो अब ये तो था जनरल एग्जांपल, अब मैं मैथ्स में बताता हूँ। मैथ्स में एग्जांपल क्या है, सपोज किसी ने अपने रूम को पेंट करवाना है, किसी ने अपने रूम को पेंट करवाना है अंदर से। अब वो पेंट कैसे करेगा, वो क्या करेगा, पहले अपने रूम का एरिया मेजर करेगा, एरिया मेजर करके फिर वो कॉस्ट वाले से पूछेगा कि कॉस्ट क्या आएगी। अब जो मेजर करने वाला था उसने रूम की लेंथ ही गलत मेजर कर दी और ब्रेड्थ गलत मेजर कर दी। अब रूम की लेंथ और ब्रेड्थ गलत मेजर करने से लेंथ में एरर आ गई और ब्रेड्थ में एरर आ गई। अब लेंथ और ब्रेड्थ से वो एरर कहाँ चली जाएगी, एरिया में, क्योंकि लेंथ आपने गलत डाली है, ब्रेड्थ आपने गलत डाली, तो एरिया गलत आएगा। अब वो एरिया से आगे कहाँ चली जाएगी, जब वो कोस्ट बनाएगी। ओके, तो देखो एरर कहाँ आई थी, लेंथ में और ब्रेड्थ में, और वो कहाँ प्रोपेगेट चल के करके चलेगी, कोस्ट में। तो अब प्रोपेगेट एरर कैसे करती है, समझो आप फिजिक्स में या मैथ में, हम कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं उस पर 4 बेसिक ऑपरेशन है अपने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जब ये अपन 4 ऑपरेशन लगाते हैं तो एरर आगे रिजल्ट में प्रोपेगेट कर जाती है, और कभी कभी तो बहुत डेंजरसली प्रोपेगेट करती है। मल्टीप्लाई डिवाइड में तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एरर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी एरर को रिड्यूस करना है कि हम अपनी एरर रिजल्ट में ज़्यादा ना जाए। तो इसीलिए हम करेंगे कि एरर कैसे प्रोपेगेट करती है और उसको कैसे रिड्यूस हम कर सकते हैं। तो एरर प्रोपेगेट करेगी प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में। ओके, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय, कीप व्यूइंग।